हेलो एवरीवन, ये हमारा यूनिट 3 जहाँ पर हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। दैट मीन्स कि जो भी हम रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एंड जो भी हम पोजिशनिंग करने वाले हैं, जो भी स्विच बोर्ड्स हो गया, जो भी लैम्प्स या जो भी इक्विपमेंट्स हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करेंगे, माउंट करेंगे, तो उनका पोजीशन कैसा होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए एंड हर एक एस्पेक्ट में हमारे पास क्या क्या जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस हमको आई की तरफ से दिया गया है, तो उसको हमको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, तो जो भी हम वर्क कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम काम करने वाले हैं, इधर आपका वो इंस्टॉलेशन के टर्म्स में हो या फिर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स के टर्म में हो या वायरिंग के टर्म में हो, अर्थिंग के टर्म में हो, तो ये सारा रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो हमारे पास आई यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी हम लोग मटेरियल्स एंड फिटिंग्स अप्लायंसेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इंडियन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, तो भी जो भी हम इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अप्रूव होना चाहिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, तभी हम इसको पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं एज अ जनरल गाइडलाइंस कि जो भी हम वर्कमैनशिप यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट मीन्स कि जो भी हम इलेक्ट्रीशियन या जो भी पर्सन को हम हायर करेंगे फॉर इंस्टॉलेशन, तो वो हमारे पास ऑथराइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से। ठीक है, या उनके पास कोई डिग्री होना चाहिए प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड, तो उसके सुपरविज़न में ही हम ये सारा जो भी इंस्टॉलेशन वर्क होगा उनको हम कैरी आउट कराएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हर एक इक्विपमेंट्स के रिलेटेड क्या क्या हमारे पास जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस हमें फॉलो करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास है कंडक्टर के टर्म में, तो हमारे पास दो टाइप का कंडक्टर हम जनरली यूज़ करते हैं रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, दैट इज़ कॉपर एंड एलुमिनियम। ठीक है, तो इसका जो सबसे मिनिमम साइज़ आपको यूज़ करना है, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट सर्किट होता है, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉपर के लिए हमारे पास साइज़ होना चाहिए मिनिमम 1 mm² का। ठीक है, एंड एल्युमिनियम का हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर हम यूज़ करेंगे एंड ये कौन से सब सर्किट के लिए होगा, ये हमारे पास लाइट सब सर्किट के लिए होगा जहाँ पर लाइट एंड फैन एंड 5 ampere का हम सॉकेट इंस्टॉल करते हैं। दूसरा हमारे पास पावर सब सर्किट होता है। ठीक है, तो पावर वायरिंग के लिए हमारे पास सेम जो कॉपर का होगा वो 1.5 mm² का होगा एंड एल्युमिनियम का जो साइज़ होना चाहिए वो 2.5 mm² मिनिमम, ये रेंज आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स। लेआउट ऑफ वायरिंग की बात करें तो हमारे पास जो भी हम वायरिंग करेंगे तो उसका लेआउट बनाने से पहले हम सब सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और ये सब सर्किट हमारे पास एक पावर सब सर्किट होगा जहाँ पर हम 1 kW से अगर आपका ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, जो भी आपका लोड का वाटेज रेटिंग है तो उसको हम पावर सब सर्किट में रखते हैं एंड आपका लेस देन जो भी 1 kW होगा तो हम लाइट सब सर्किट लाइट एंड फैन सब सर्किट में उनको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लेआउट ऑफ वायरिंग जब भी प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम ये इन दोनों लोड के बेसिस पे हम सब सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे एंड उनके बाद हम टाइप्स ऑफ वायरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास नॉर्मल कम लोड का वायरिंग अगर हमें करना है तो हम बैटन वायरिंग ठीक है जो क्लीट्स वायरिंग था टेम्प्रेरी बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, केसिंग कैपिंग यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम पावर वायरिंग के लिए जाते हैं तो हमें कंसील टाइप का सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कंसील या अनकंसील टाइप का हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो अगर हमारे पास 3-phase लोड को अगर हम वायर करने जा रहे हैं तो 3-phase कनेक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए कि हम लोग जो भी लोड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास बैलेंस 3-phase लोड हो। जॉइंट बॉक्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो जॉइंट बॉक्स दैट मीन्स कि जहाँ पर भी आपका जो जंक्शन क्रिएट होगा, दैट मीन्स कि आपको जहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपका जंक्शन क्रिएट होगा, आप यहाँ पर पाथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो जंक्शन बनाने के लिए हम जॉइंट बॉक्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये आपका प्रॉपरली कवर होना चाहिए ताकि इसको आप
ठीक है, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन या रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए आप इसको ओपन भी बीच में कर सकते हैं। रिसेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन सप्लाई, तो जो हम रिसीव कर रहे हैं सप्लाई, मेन सप्लाई, ठीक है, तो इसको हम लोग सर्विस कनेक्शन बोलते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये जो सर्विस कनेक्शन हमारा मेन बोर्ड तक आया है या एनर्जी मीटर तक, ठीक है, आया है सर्विस कनेक्शन, एंड एनर्जी मीटर के बाद हम मेन बोर्ड में देते हैं जहाँ पर हमारे पास मेन स्विच का पार्ट होगा या फ्यूज बोर्ड होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग हमारे पास प्रॉपर जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, उसको हम फॉलो करते हैं कि जो जो भी हमारे पास सर्विस कनेक्शन आ रहा है वो सबसे पहले हमारे पास मेन बोर्ड में या एनर्जी मीटर में आएगा, एंड देन हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसको, ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स एंड फ्यूज़ के थ्रू हम इसको आगे भेजते हैं। तो जो भी हम सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करेंगे वो हमारे पास लाइव कंडक्टर में होगा, ठीक है, एंड जो भी हम वायरिंग कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी न्यूट्रल वायर में हम किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं देंगे, ठीक है। न्यूट्रल वायर आपका कंटिन्यूस होगा जो कि आपका रिटर्न करंट को कैरी करेगा, एंड जो भी हम फ्यूज़ यूनिट यूज़ करेंगे वो हमेशा हम लाइव कंडक्टर में यूज़ करेंगे, ठीक है। स्विच बोर्ड्स हम यूज़ करते हैं हमारे सप्लाई जो हम डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई को जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस है, ठीक है, मेन स्विचेस के बाद आपका आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी मेन बोर्ड है, स्विच बोर्ड्स है, तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ओपन टाइप स्विच बोर्ड होगा, यहाँ पे नॉर्मली आप इसको वॉल पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ये बॉक्स के अंदर कवर्ड नहीं होगा, ये आपका ओपन टाइप होगा जिसको आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ड्राई सिचुएशन में होना चाहिए, ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटेड रूम्स में होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पास केमिकल फ्यूम्स वाला जो भी रीजन होगा, एरिया होगा, हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में हम मेन स्विचेस को यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आपके पास कोई, ठीक है, फ्लेमेबल टाइप का या एक्सप्लोसिव डस्ट टाइप का आपके पास कोई भी मटेरियल है आसपास में, तो उस जगह पर हम अवॉइड करेंगे स्विच बोर्ड्स को या फिर जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स है उनको फिक्स करने का, ठीक है, उनसे हम कुछ डिस्टेंस में फिक्स करेंगे। और अगर वहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम वहाँ पर फ्लेम प्रूफ, ठीक है, प्रोविज़न वहाँ पर देंगे, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्विच बोर्ड्स है ये हमारे पास गैस स्टोव्स के, ठीक है, जस्ट अबव नहीं होना चाहिए। जो भी सिंक्स है उसके 2.5 मीटर के लेस देन जो भी हाइट है उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉशिंग यूनिट्स के पास, वॉशिंग रूम्स के पास, दैट मीन्स कि जहाँ पर भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, तो उस जगह पर हम स्विच बोर्ड्स को यूज़ करना अवॉइड करेंगे, ठीक है। और इन केस अगर हमें वहाँ पर हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे, हमको ऐसा जगह पर लगाना ही है जहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम वहाँ पर वेदर प्रूफ का प्रोविज़न देंगे, ठीक है, ताकि जो भी लीकेज करेंट का केस आएगा हम उसको अवॉइड कर पाएंगे। तो ये था आपके स्विच के, स्विच बोर्ड्स एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, ठीक है, मेन बोर्ड्स उसके इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। मेटल क्लैड एंड स्विच गियर के रिगार्डिंग आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ सकता है। जो आपका स्विच गियर, दैट मीन्स कि आप जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेज यूज़ कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में या फ्यूज़ बॉक्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास उस मेटल बॉक्स या फिर उस जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके लिए आपके पास क्या क्या गाइडलाइन है। तो हिंज टाइप मेटल बोर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास डोर वाला जो, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का आपके पास डोर वाला बॉक्स होगा जिसको आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रिपेयर के लिए आप इसको ओपन कर सकते हैं इजिली, ठीक है, इजिली एक्सेसिबल हाइट पे आप इसको माउंट करेंगे। एंड इसका आपको थिकनेस दिया गया है कि जो भी आप शीट मेटल जिसका ये बॉक्स बना हुआ है, तो ये आपका 2 mm थिकनेस का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टीक वुड बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको 6.5 mm थिकनेस का आपको इसको, ठीक है, जो भी आप मेटल बॉक्स हिंज्ड टाइप मेटल बोर्ड यूज़ किए हैं उसके बैक साइड में आपको टीक वुड बोर्ड का एक बेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स टाइप मेटल बोर्ड्स जो आप वॉल पे फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको एंगल फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा वॉल पे माउंट करने के लिए, ठीक है। एंड जो भी हमारे पास स्विच बोर्ड्स, ठीक है, स्विच बोर्ड के बाद हम लगाते हैं जो आपका फ्यूज़ बोर्ड होता है या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो ये इन दोनों के बीच में 1 meter का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। टीक वुड बोर्ड अगर हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, अगर हम मेटल टाइप बॉक्स या आयरन क्लैड बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे, तो उस केस में आपके पास, ठीक है, तो टीक वुड बोर्ड का हम यूज़ कर सकेंगे अगर हमारे पास लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन अगर हम कर रहे हैं,
है। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के लिए या सब सर्किट बोर्ड के लिए हम टीक वुड बोर्ड्स का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। स्विच बोर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो स्विच बोर्ड के अरेंजमेंट के लिए जो मिनिमम ग्राउंड लेवल से आपका हाइट होना चाहिए ये, ठीक है, 1.5 मीटर या 1.2 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। तो ये आपका ग्राउंड लेवल से जो भी आपका हाइट होना चाहिए स्विच बोर्ड्स का, ये आपका 1.5 मीटर आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो भी आप बोर्ड माउंट कर रहे हैं स्विच बोर्ड, वो आपका किसी भी तरह का कोई भी लाइव पार्ट वहाँ पर, ठीक है, ओपन नहीं होना चाहिए जिससे कोई कांटेक्ट में कोई पर्सन आ सकता है। तो उसको हमको ध्यान में रखना है कि हम इसको प्रॉपरली इंसुलेटेड, ठीक है, अगर कोई लाइव पार्ट ऐसे ही ओपन रह गया तो उसको हम इंसुलेशन टेप से कवर करके, ठीक है, इंसुलेट करेंगे। कोई भी अपरेटस या फिर जो भी हम इक्विपमेंट को बोर्ड पर हम प्लेस कर रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि हम वो एज ऑफ द बोर्ड पर नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास फ्यूज़ बॉडी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एज के 2.5 सेंटीमीटर के, ठीक है, ये हम क्लियरेंस देंगे एज से। कोई भी होल एक्स्ट्रा वहाँ पर नहीं होने चाहिए अदर देन जो आपका फिक्सिंग के लिए, आप पैनल को फिक्स करने के लिए जो होल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, बस उसके अलावा और कोई बोर्ड में होल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी हम ड्रिलिंग करेंगे फिक्सिंग के लिए जो होल्स करेंगे, वो आपका एज ऑफ द बोर्ड से 1.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप अरेंजमेंट, जो भी एसेसरीज, इक्विपमेंट्स आप बोर्ड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजिली ट्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फ्यूजेस को हम ठीक है न्यूट्रल वाले में कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको लाइव पार्ट में ही देना है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के लिए आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना है? तो ये आपका लोड सेंटर के नियर होना चाहिए, ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो सर्विस कनेक्शन आ रहा है, सर्विस कनेक्शन आपका एनर्जी मीटर तक, एंड उसके बाद हमारे पास मेन स्विच आता है, मेन स्विच के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर आएगा आपका सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एंड ये आपका सब सर्किट्स में डिवाइडेड है। इस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे कि आपका जो भी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमें अगर यूज़ करना है, बहुत नंबर ऑफ सर्किट्स अगर ज़्यादा हो तो हम सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स यूज़ करेंगे, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम 1 मीटर के डिस्टेंस पे। और जो हमारे पास सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, ये आपका लोड के नज़दीक में होना चाहिए ताकि आप इसको ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है, अरेंजमेंट आपका ठीक से हो पाए। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि जो भी सब सर्किट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो लोड के नज़दीक में होना चाहिए, ठीक है। फाइनल सब सर्किट, ये भी आपका लोड पॉइंट से नज़दीक होना चाहिए, ठीक है, जो सब सर्किट एंड मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। एंड जो फाइनल सब सर्किट होगा, ये आपके लोड एंड सब सर्किट के, यानी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के, ठीक है, नज़दीक में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मेन बोर्ड का लोकेशन दिखाया गया है, किस तरीके से आपको यहाँ पर पोजीशन करना है। स्विचेस, सॉकेट आउटलेट के लिए आपको क्या क्या देखना है कि यहाँ पर जो भी हम स्विचेस, सॉकेट आउटलेट्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपका प्रॉपरली टिकवुड बोर्ड पे माउंटेड होना चाहिए, ठीक है, स्विच बोर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉकेट्स भी आपका जो भी सॉकेट आउटलेट होगा, उसको हमें डायरेक्टली वॉल पे फिक्स नहीं करना है, हम उसको, ठीक है, टीक वुड बोर्ड पे एज अ बेस यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम उसमें फिक्स करेंगे, ठीक है। बोर्ड के अंदर हमारे पास जो भी वायरिंग के लिए वायर को हमें जो छोड़ना है, ठीक है, एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर के लेंथ में हम वहाँ पर कनेक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर जो भी बोर्ड के अंदर आपका स्विचेस को आपको कनेक्ट करना है, उसके लिए 15 सेंटीमीटर के लेंथ का मिनिमम आपको लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 23 सेंटीमीटर फ्लोर लेवल से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हम लोगों ने देखा था क्लास में, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर आपका इस तरीके से ग्राउंड लेवल है तो आप अगर यहाँ पर भी एक स्विच या फिर सॉकेट आउटलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो मिनिमम आपका डिस्टेंस होना चाहिए फ्लोर लेवल से, इट मस्ट बी 20 to 23 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अगर हम ये
23 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेम्पर प्रूफ टाइप का आपको सॉकेट यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो भी चिल्ड्रेन ठीक है उनके एक्सेस से ये प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, फैंस के टर्म्स में हमने रूल्स देखा था कि जो भी हमारे पास हाइट होना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, वो आपका 2.7 2.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका जो इस तरीके से अगर आपका फ़ैन है, ठीक है, ये सीलिंग में अगर हमने इस तरीके से फ़ैन दिया है एंड यहाँ पर आपका ग्राउंड है तो ये ग्राउंड क्लियरेंस आपका 2.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, एंड ब्लेड्स एंड जो आपका सीलिंग का हाइट है ये आपका 30 सेंटीमीटर का क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम फ़ैन का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। फ्यूजेज एंड स्विचेज, तो फ्यूजेज एंड स्विचेज ऑलवेज हम लाइव कंडक्टर में देंगे। ठीक है, न्यूट्रल में कभी भी नहीं देंगे। अर्थिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, जो भी सप्लाई अथॉरिटी है, जो आपका सर्विस कनेक्शन आ रहा है तो वो आपको आपके प्रेमिसेस में आपको अर्थ टर्मिनल भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, ठीक है, इधर आपका वो 3-पिन सॉकेट हो, बॉडी ऑफ द जो भी इक्विपमेंट्स एपरेटस हो, ठीक है, अप्लायंसेस हो, तो उन सभी को हमें क्या करना है, अर्थ वायर से कनेक्ट करने के बाद जो भी सप्लाई अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, प्रोवाइड किया गया है अर्थ कंडक्टर, तो उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। ठीक है, ताकि लीकेज करेंट या फॉल्ट के कंडीशन में हम फॉल्ट करेंट को अर्थ प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो अर्थिंग आपका प्रॉपरली होना चाहिए। मेन स्विच हम किस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ टाइप आपको दिया हुआ है रेटिंग के टर्म्स में, तो ये हमने पहले भी देखा है कि आपको करंट रेटिंग या लोड कैलकुलेट करने के बाद आप उस बेसिस पे मेन स्विच का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास डबल पोल MCB टाइप का मेन स्विच होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सिंगल फेज इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थ्री फेज के लिए हमारे पास TPN स्विच होगा। ठीक है, तो ये भी आपको रेटिंग्स के टर्म में दिया हुआ है कि हम लोग किस रेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन रेटिंग्स के अगर इसके बियॉन्ड अगर हमारे पास लोड का कैलकुलेशन आ रहा है, करंट का रेटिंग आ रहा है, तो देन हम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स, एयर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो ये भी आपको, या फिर RCD जो है, RCCD रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, तो ये आपको फॉल्ट करेंट या फिर जो अर्थ लीकेज करेंट है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए अगर प्रॉपरली आपका जो भी एपरेटस है वो आपका अर्थिंग प्रोवाइडेड नहीं है, तो उस केस में जो भी आपका ELCB है वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस एज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको, ठीक है, हर एक जहाँ पर भी हम अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर ELCB यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको जो भी अर्थ लीकेज अगर हो रहा हो तो वो हमें, ठीक है, आपकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन को उससे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस जो हमें इंस्टॉलेशन करते वक्त ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके पास आपको और भी गाइडलाइंस दिया गया है कि जो भी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सब सर्किट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, लोड कैलकुलेशन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम करेंगे वो एज़ पर आपके IE रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज अलाउंस जो भी लेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलाउंस जो भी लेंगे वो आपका एज़ पर IE रूल्स होना चाहिए। तो IE रूल्स में हमने इसको प्रीवियसली देखा है, जो भी आपका क्लियरेंस होना चाहिए ग्राउंड लेवल से, लाइक आपका लैम्प कहाँ पर आप पोजिशन कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल रन का आपका क्या होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ हमने यहाँ पर, ठीक है, हमको यहाँ पर कंसिडर करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस अबाउट रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन।